आज 500 सालों की कड़ी मेहनत के बाद राम मंदिर बना है, लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि देश में मेडिकल फैसिलिटीज की कमी है। हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते थे, स्कूल बनाए जा सकते थे, लेकिन 1800 करोड़ सिर्फ एक मंदिर पर क्यों? वेल, रिलीजियसली तो भगवान राम और राम मंदिर कई करोड़ों लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कैसे राम मंदिर भारत की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है और कैसे लॉजिकली गवर्नमेंट को और इनफैक्ट लोगों को भी राम मंदिर को बनाने के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा, तो पैसा कहां से आया? तो ये वीडियो उन सभी लोगों के जवाब देगा जिनके सेम क्वेश्चन है, और आप भी इस वीडियो को पूरा देखना ताकि फैक्ट्स के साथ लोगों को आप नॉलेज शेयर कर पाओ। तो राम मंदिर आखिर जरूरी क्यों है, चलो पता करते हैं। लेकिन 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 इससे पहले 500 साल पुरानी कहानी को 50 सेकंड में समझ लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जब मुगल बादशाह बाबर ने अयोध्या के राम मंदिर को टूटवा दिया था और वहीं पर एक मस्जिद बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। अब मंदिर तो हटा दिया था लेकिन लोगों के फेथ को नहीं हटा पाए, और प्रूफ मिलते हैं कि उसके बाद भी वहां के लोग मस्जिद के बाहर की जगह पे राम जी की पूजा किया करते थे, और हिस्टोरिकली यहां पे बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट होती रही। जैसे 1660 में औरंगजेब ने यहां पर अटैक करवाया था। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ब्रिटिश रूल में भी सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बनी और तब से देश की आजादी तक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। और इनफैक्ट लड़ाइयां बढ़ने से यूपी गवर्नमेंट को दिसंबर 1949 में राम जन्मभूमि के अंदर लोगों के जाने पर बैन लगा दिया, लेकिन ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स टू वर्शिप को वायलेट कर रहे थे। फिर इसके बाद दोनों साइड से लीगल बैटल शुरू हुई। जैसे 1959 में हिंदू साधुस के एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन निर्मोही अखाड़ा ने ये कहते हुए केस फाइल हुआ कि यहां पर हमें पूजा करने का हक मिलना चाहिए, और मुस्लिम साइड से भी केस किए गए। लेकिन 1990 की शुरुआत में कुछ खतरनाक होने वाला था। अब हुआ क्या कि 1990 में एल के अडवाणी जी ने गुजरात सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू करी, और यात्रा के वक्त लाखों लोग अयोध्या पहुंचते। इससे पहले ही सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि यूपी गवर्नमेंट को राम जन्मभूमि को फिर से सील करना पड़ा। लेकिन इस बार पब्लिक का रिएक्शन आया और हजारों लोगों ने मिलकर मस्जिद को ही डिमोलिश कर दिया, जिसके बाद देश भर में कम्युनल राइट्स हुए। अब सीधी बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो वहां पर कई एविडेंसेस से ये प्रूफ हुआ कि वहां पर पहले एक राम मंदिर था। मेरी मानो तो इतने प्रूफ्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद का एक असल नाम मस्जिद जन्म स्थान भी है। जन्म स्थान और वो किसका हो सकता है? हेंस प्रूफ। पैसा बर्बाद। वेल, माना ये जाता है कि अयोध्या पुराने वक्त में खूबसूरत शहर हुआ करता था, जहाँ एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का डीप कनेक्शन था। साथ ही वहाँ पे विशाल मंदिर और गार्डन्स हुआ करते थे। पुरानी बात को छोड़ भी दे तो हजार सालों बाद अयोध्या एक वर्ल्ड क्लास सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अगर राम मंदिर की बात करें तो मंदिर को 2.7 एकड़ में बनाया गया है, जिसमें मंदिर का डायमेंशन ये रहा। टेंपल कॉम्प्लेक्स 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें से 70% हिस्सा ग्रीन है, और ये मंदिर हजार साल तक टिका रहेगा। और ये दावा है लार्सन एंड टुब्रो का, जिन्होंने इस मंदिर को डिजाइन और बिल्ड किया, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं के अंडर बनाया गया था। वेल, मंदिर की फाउंडेशन के लिए 14 मीटर रूलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का यूज हुआ है, और ग्राउंड को मॉइस्चर से बचाने के लिए 21 फीट ऑफ हाई प्लेंथ ग्रेनाइट का यूज हुआ है। और सबसे बेस्ट पार्ट, पूरे मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का दूर दूर तक नाम नहीं है। राम मंदिर 3 स्टोरीज यानी 3 फ्लोर का है, जिसमें 392 पिलर्स और 42 डोर्स है, और मंदिर में एंट्री ईस्ट के सिंह दरबार से होगी, जिसके लिए 32 स्टेयर्स बनाई गई है। टेंपल कॉम्प्लेक्स का तो इंडिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फायर सर्विसेज, इंडिपेंडेंट पावर स्टेशन है। वेल, अब इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं कि आखिर एक मंदिर को बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए गए, क्या फायदा है इसका? तो उन लोगों के लिए ये जवाब होने वाला है। सबसे पहली बात, इस मंदिर को बनाने के लिए ना गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है और ना ही डोनेशन का। असल में राम मंदिर बनाने के लिए पहले टोटल कॉस्ट 900 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा 3600 करोड़ रुपीज का डोनेशन राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिला, और इन्होंने बड़ी ही स्मार्टली इन पैसों को SBI और PNB जैसे बैंक्स में इन्वेस्ट कर दिया, और सिर्फ इस डोनेशन के इंटरेस्ट के पैसों से ही ये मंदिर बन गया। और इसके अलावा राम मंदिर पर पूरी दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। जैसे इंडियन ओशन में एक इम्पोर्टेंट कंट्री मॉरिशियस के PM इस पर एक ट्वीट करते हैं, और SBI की रिपोर्ट का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में टूरिज्म इनिशिएटिव की वजह से यूपी के टैक्स कलेक्शन में 25,000 करोड़ रुपीज ऐड होने वाले हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा राम मंदिर की वजह से आएगा। और जो लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई इसकी जगह कोई हॉस्पिटल या कुछ और इम्पोर्टेंट बन सकता था, तो भाई ना ही यूपी गवर्नमेंट और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक भी रुपया खर्चा, फिर भी इतना इम्पोर्टेंट लैंडमार्क बन गया। और अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्च भी करती तो भी इकोनॉमी को बेनिफिट ही होता। इस चीज को हमें मंदिर और हॉस्पिटल में तोलने की जरूरत क्यों है? क्यों दोनों नहीं बन सकते? अब चाहे USA हो या कोई और कंट्री, अयोध्या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। और 22 जनवरी से पहले ही राम मंदिर के आसपास के अपार्टमेंट के प्राइसेस 900% तक बढ़ गए हैं। कुछ केसेस में तो ये 1 करोड़ से सीधा 10 करोड़ तक पहुंच गए हैं। राम मंदिर बनने से आसपास कई 5-स्टार होटल्स भी
उत्पन्न हो रहे हैं। कंसिडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स का एस्टिमेट है कि राम मंदिर बनने से आसपास 1,00,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट होगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यानी 22 जनवरी से पहले ही 20,000 लोगों को जॉब्स ऑलरेडी मिल चुकी है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। खासकर इस मंदिर की वजह से अयोध्या में कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी बने हैं और टूरिज्म को संभालने के लिए गवर्नमेंट ने 31,000 करोड़ रुपए तक में 200 से ज्यादा विकास योजनाएं शुरू की है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पुल, सीवेज सिस्टम और यूटिलिटीज इंप्रूव होगी। एयरपोर्ट्स, हाईवे, अयोध्या जंक्शन, रेलवे स्टेशन जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं और इन सब से पूरे रीजन का अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है। और फॉरेन कंट्रीज की कई एजेंसीज भी इस डेवलपमेंट को नोटिस कर रही है। जैसे जेफरीज, जो कि यूएसए का एक रेप्यूटेटेड ब्रांड है, इनकी रिपोर्ट में ये तक लिखा है कि अयोध्या वेटिकन सिटी और सऊदी मक्का को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल, यानी वहां पर कितने लोग विजिट करेंगे। यूपी के लिए ये एक ह्यूमंगस इकोनॉमिक शिफ्ट होगा और राम मंदिर की पॉजिटिविटी के साथ साथ इकोनॉमिक पॉजिटिविटी भी देखने को मिलने वाली है। और शायद आपको पता होगा कि यूपी का एक टारगेट भी है $1 trillion इकोनॉमी वाली स्टेट बनना, और राम मंदिर इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। खैर, इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी अयोध्या की डेवलपमेंट के बारे में पता चले और राम मंदिर को लेकर अगर कोई डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो सके। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में हम मिल सके। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।